ध्यान से सुनिएगा मैं खुश रहता हूं उन लोगों में जिनके पास ये शब्द होते हैं कि सर मैं खाना तो नहीं खिला सकता पर आप वचन सुनाकर जाइए मुझे है आज आप मुझे कुछ देकर जाइए हाँ ललोइया मार्था और मरियम को देखिए मार्था बस कुछ ना कुछ सलाद काट ये काट वो काट हीरा काट है ना रहता बना रहता और मरियम स्वामी बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे और मैं बहुत भूखी हूं मुझे वचन खिलाइए एक तरफ एक औरत मसीह यीशु को कुछ खिलाना चाहती है एक तरफ दूसरी औरत यीशु से कुछ खाना चाहती है एक तरफ एक औरत उसको प्रॉब्लम है उसको दिमाग में टेंशन परेशानी है राजाओं का राजा मेरे घर में आया है उसकी मैं ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से बेस्ट से बेस्ट तरीके से कुछ खिलाऊं उसकी सेवा करूं और वो मीटिंग में जाकर बोलेगा उस बहन के खाना सबसे बेस्ट था लेकिन एक तरफ दूसरी औरत क्या कहती है प्रभु जी आप मुझे खाना खिलाइए मुझे अच्छा वचन दीजिए ताकि मैं दुनिया को जाके बताऊं कि मेरी शिक्षा मसीह के अंदर से निकली है एक तरफ दूसरी औरत उसका ध्यान सिर्फ यही है मसी यीशु की पहनाई अच्छी होनी चाहिए यीशु को अच्छा खाना मिलना चाहिए यीशु का भर पेट खाना चाहिए मसी यीशु जंगल जंगल चल कर आया है मसी यीशु ने बहुत मेहनत की है हाँ बस इसकी मैं पहनाई अच्छी तरह करूं लेकिन दूसरी औरत वो भी औरत है वो क्या चाहती है मसीह यीशु जंगल जंगल चलकर आया सुसमाचार प्रचार करते हुए आया यीशु का दिल है आत्माएं बचे मसीह यीशु का दिल है जो बचे हुए वो मजबूत हो जाएं और मारियम ने क्या बोला प्रभु जी आप इतनों को जंगल जंगल चलकर मजबूत करते हैं मुझे भी मजबूत कीजिए दोनों अर्थ में कितना फर्क है बहुत फर्क है पिछले समय में मैं किसी के घर गया मुझे खाना खिलाया उन्होंने बेस्ट खाना खिलाया मैंने खाया आंख बंद की परमेश्वर मेरी प्रार्थना है जो खाना ये चर्च में खाते हैं लंगर नहीं परमेश्वर का वचन वो वचन इनकी जिंदगियों में घर कर जाए स्वामी ये मेरा नहीं बल्कि तेरा वचन अपनी जिंदगी में लेकर आए मैन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप मुझे मैं खाना कहीं अपने घर भी खा लूंगा लेकिन बेस्ट है जो पसीना मैं यहां निकालता हूं मैं दिन रात मेहनत करता हूं अगर आप कहीं मजबूत हो गए आप कहीं आपकी जड़ें आत्मा से मजबूत हो गई कहीं आपका आत्मा बलवंत हो गया कहीं आप मसीह के काम को पहला महत्व देने लगे तो याद रखिएगा आप मरियम से कुछ कम नहीं है